स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो भी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है, क्योंकि जो आपका क्लास 6 से 12 तक मतलब जो आपका 11th और 12th का जो आपका वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो लिया गया 3.1 और 3.2 में, हो सकता है तो आपका 3.3 में जो है आपका क्लास 6 से 10 का भी आपका पेपर लिया जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक जो है आर्टिकल आया है उसके रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वह निर्देश दिया है बुक जो है जो आपका बुक छापती है SCERT, ठीक है, उसको इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे यह साबित होता है कि आपका जो ऐसे ही कल्याण विभाग में वैकेंसी आई थी क्लास 6 से 10th के लिए, सेम वैसा ही आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपका वैकेंसी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे निर्देश दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो आपका प्रोग्रामिंग और AI जो है आपका क्लास 6 के स्टूडेंट से लेके और क्लास 10th के स्टूडेंट के सिलेबस में शामिल किया जाएगा, ठीक है। जो क्लास 6 वाले स्टूडेंट्स है और क्लास 10th तक दोनों में जो है आपका प्रोग्रामिंग और AI और जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह सारा चीज इसमें आपका सिखाया जाएगा, ठीक है। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक जो आपका है वह SCERT बुक, जो आपका 11th 12th में तो आपका बुक आता है कंप्यूटर साइंस का, लेकिन आप क्लास 6 से 10 तक देखिएगा तो आपको NCERT में भी बुक आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब जो है क्लास 6 से 10 तक भी आपका जो कंप्यूटर साइंस में बुक देखने को मिलेगा वह आपका बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है निर्देश दिया गया है बुक छापने के लिए। SCERT बुक आपका आएगा क्लास 6 से 10 के लिए और 11th 12th का तो आपका अवेलेबल है ही। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले, यहाँ पे जो आपको शेयर किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की क्लास 6 से लेकर 12वीं के विद्यार्थी सीखेंगे प्रोग्रामिंग और AI की बारे किया, मतलब आपका AI और प्रोग्रामिंग दोनों जो आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक आपका सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझेंगे, पूरा आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों को सीखेंगे प्रोग्रामिंग और AI के बारे की। आप यहाँ पे देखें कि राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 6 से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों को कंप्यूटर के विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए SCERT की ओर से सिलेबस तैयार किया जा रहा है। इसका कहने का मतलब है जो आपका SCERT जो आपका बिहार सरकार का जो बुक जो प्रोवाइड करती है, इनके द्वारा जो है आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक जो है आपका ये SCERT का नया सिलेबस जारी किया जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो क्लास 6 से 10th का भी आपका बुक आएगा, ठीक है, कंप्यूटर वाला, ठीक है। विद्यार्थियों के स्कूल के बाद कंप्यूटर में उच्च शिक्षा हासिल करने में अधिक परेशानी न हो, इसको देखते हुए सिलेबस में प्रोग्रामिंग, AI, ब्लॉकचेन व ChatGPT के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि जो क्लास 6 वाले स्टूडेंट्स है और क्लास 6 से 10th इसमें भी जो है आपका प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और आपका AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, जो आपका ChatGPT जो आपका चल रहा है इसके रिगार्डिंग जो आपको पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को प्रोग्रामिंग के बेसिक जानकारी दी जाएगी, मतलब क्लास 6 के स्टूडेंट जो होंगे उनको प्रोग्रामिंग का बेसिक जानकारी दिया जाएगा। इसके साथ ही क्लास के अनुसार विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी, मतलब क्लास 6 से आपका स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपका बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाना है, और जैसे जैसे आपका क्लास इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका सिलेबस जो है आपका बढ़ाया जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो क्लास 6 में भी आपका कंप्यूटर होगा, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th और आपका 11th और 12th में तो आपका बहाली लिया ही गया है और आपका सिलेबस भी अवेलेबल है, लेकिन क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में आपका सिलेबस अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो SCERT की ओर से अलग अलग वीडियो कंटेंट भी तैयार किया जा रहा है, स्कूली सिलेबस में नए सत्र से इन टॉपिक को जोड़ा जाएगा। जो आपका न्यू सेशन जो आपको मार्च के बाद जो आपका स्टार्ट होगा इसमें जो आपका न्यू सिलेबस आपको ऐड कर दिया जाएगा क्लास 6 से 10th के लिए, ठीक है। SCERT के निर्देशक
जो सज्जन आर ने बताया कि स्कूली बच्चों को कंप्यूटर विषय में विशेष शिक्षा प्रदान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को मौजूदा दौर में आने वाली नए तकनीकी से अवगत कराना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियर समझ गए हैं कि क्लास सिक्स से आपका बेसिक प्रोग्रामिंग स्टूडेंट को सिखाया जाएगा, क्लास सेवन में भी आपका होगा, एट में भी, नाइन टेंथ सारा में आपका होगा, जैसे आपका कल्याण विभाग बहाली लिया है क्लास सिक्स टू टेंथ कंप्यूटर टीचर का, उसमें नाइन टेंथ का नहीं लिया बहाली कि नाइन टेंथ का बहाली होगा, उसमें जो बहाली आया था उसमें लिखा हुआ था क्लास सिक्स टू टेंथ कंप्यूटर टीचर। सेम ऐसा ही बहाली जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी देखने को मिल सकता है 3.0 में, क्योंकि आपको सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है और आपका बुक भी छप जाएगा क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर का। ठीक है, तो यही एक अपडेट था जो साझा करना जरूरी था आप लोग के बीच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।